नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कविता एजुकेशन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं अनौपचारिक पत्र लेखन। ये पत्र लेखन खासकर उन बच्चों के लिए है जो परीक्षा में बैठते हैं और जिनको ये नहीं समझ में आता कि अनौपचारिक पत्र हम कैसे लिखें, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। ये खासकर उन बच्चों के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है। तो आइए देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र लेखन का फॉर्मेट कैसा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मकान नंबर है वो डालेंगे, उसके बाद गली नंबर जो भी हो। अगर आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आपका एड्रेस दिया हुआ है, सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस, तो उसको डालेंगे। अदरवाइज आप कोई भी काल्पनिक एड्रेस डाल सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले लिखेंगे मकान नंबर, फिर गली नंबर, उसके बाद मोहल्ला या कॉलोनी जो भी हो उसका नाम, फिर उस शहर का नाम, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर यहाँ पे होगा ये सेंडर एड्रेस, ये भेजने वाले का पता होगा, और उसके नीचे एक लाइन छोड़कर रिसीवर एड्रेस होगा। इस तरीके से यहाँ भी सेम प्रोसेस होगी, पहले मकान नंबर, फिर गली नंबर, और उसके बाद मोहल्ला या फिर जो भी हो कॉलोनी उसका नाम, और फिर उस शहर का नाम, फिर आपका जो भी रिलेशन है, क्योंकि अनौपचारिक पत्र हमेशा रिलेटिव को ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे अपने रिलेशन के अनुसार प्रिय मित्र या आपका पुत्र या जो भी हो उसको लिखेंगे, उसके बाद सप्रेम नमस्ते, और फिर यहाँ पर पैराग्राफ की शुरुआत करेंगे। तो जैसे तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत, ये पत्र है मित्र को जन्मदिन की बधाई देने के लिए। इस अनौपचारिक पत्र में एक चीज़ और बता दें कि विषय नहीं होता है, अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं होता है, विषय केवल औपचारिक पत्र में होता है। तो बच्चे बार बार पूछते हैं, बहुत सारे वीडियो हम इसका चैनल पर डाल चुके हैं अपने, उसमें बहुत बार ये कमेंट आता है कि मैम विषय कहाँ है। तो बच्चों आपको बता दें कि अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखा जाता। यहाँ पर सीधे हम पैराग्राफ की शुरुआत करेंगे। तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम इस बार अपना जन्मदिन बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हो। मेरे प्रिय दोस्त, अगर परीक्षा इसी सप्ताह में ना होती तो मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे साथ अवश्य होता। आशा करता हूँ कि तुम्हारे अगले जन्मदिन पर मैं तुम्हारे साथ रहूँ। और फिर पैराग्राफ को चेंज करेंगे, फॉर्मेट यही होना चाहिए, क्योंकि पत्र लेखन का ये तरीका होता है कि हमेशा दो पैराग्राफ में जो भी मैटर लिखना होता है वो दो पैराग्राफ में लिखा जाता है। तो नए पैराग्राफ में फिर यहाँ से लिखेंगे, पुनः तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं पहुँच सका, इसका मुझे बहुत दुख है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दें, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो, तुम अपने जीवन में सफलता की ऊँचाइयों को प्राप्त करो। परीक्षा समाप्त होते ही मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊँगा। और फिर लास्ट में एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि तुम्हारे पापा मम्मी को या चाचा चाची को मेरा सादर चरण स्पर्श। और लास्ट में और कुछ नहीं लिखना है, फिर तुम्हारा प्रिय मित्र या प्रिय दोस्त, और फिर अपना नाम। इसके अतिरिक्त और कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है बच्चों अनौपचारिक पत्र लेखन का एक उचित फॉर्मेट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे ऐसे बहुत सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।